और भाई परिवार मेरा कोई लंबा चौड़ा नहीं था, फादर टीचर थे। मुश्किल से केमिस्ट्री की किताब ढूंढ डांट के अलोट करवाई और भाई ऑर्गेनिक का इतना रट्टा मारा सारी रात जाग गया और नोटिस लगा दिया प्रिंसिपल साहब ने कि जो अपनी किताबें वापिस नहीं करेंगे उनको रोल नंबर नहीं मिलेगा। अब मेरी किताब वापिस चली गई, जो रट्टा मारा रखा था वो सारा खत्म और भाई 30 में से 8 नंबर आए। इस बात की तकलीफ मुझे कम से कम 27 साल रही। उसके बाद एक ऐसा प्रिंसिपल हमारे कॉलेज में आया जो मेरा रूममेट होता था, मैंने उसको जाके सलाह दी कि भाई इतनी मुसीबत में, इतनी गरीबी में और इतनी मेहनत से बच्चा तैयार करता है यार, किताब वापिस दे देते हो, कहते ये तो सरकार का रूल। मैंने कहा ना, बहुत कुछ हो सका, मैंने सलाह दी ना मानी, किस्मत मैं तो कहूँगा बच्चों की अच्छी थी, वैकेंसी निकलाई 5 प्रिंसिपल। मैं भी भरा बैठा था कि जब ये प्रिंसिपल बन सकता तो मैं क्यों नहीं, अप्लाई कर दिया भाई। HPSC ने मैडम रूल बनाया कि जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस है उसको 1 नंबर मिलेगा और 15 साल जिसका एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकता है। मेरे 30 पहले जो रहे 15 नंबर मिल गए, सारा हरियाणा करके मर गया, लेकिन मेरा नंबर नहीं काट सके, 1 नंबर पर सिलेक्शन हुआ। क्या किया मैंने उसका सिलेक्शन का, मेरे जो तकलीफ थी किताब वाली आते ही नहीं, किताबों मैंने सारे हेड बुलाए, उनको ये कहा भाई मैं ऑर्डर पास करूंगा, हर हेड को 200-200 किताब दूंगा और वो किताब आप अपने डिपार्टमेंट में रखेंगे और बच्चों को अलॉट करेंगे, और कोई बच्चा अगर गुम कर देता है, नहीं देता है, ले जाता, कोई बात नहीं, 5,000 तक की किताबें माफ़ करने की प्रिंसिपल की पावर है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, ये मैंने न केवल एक किराम में किया बल्कि जीन गवर्नमेंट कॉलेज में भी किया और 200 किताबें डिपार्टमेंट में दे दी, बच्चों ने खूब रटे मारे, खूब किताबें ली और भाई खूब सारी पढ़ाई की। वो मैंने एक बात और नहीं बताई, नेकी राव में मेरे ऊपर ये एजुकेशन लगाया जाता था कि बस मेरे में किसा प्रिंसिपल शिवाय बच्चों की किसी की बात ही नहीं सुनता। मैं तो कहता हूँ बड़े बच्चों की वजह से था, मेरी तो कभी कोई ख्वाहिश रही नहीं। ठीक, ये तो काम कर दूंगा दिला दिया मेरी सारी बात आपको बता दी। बेटा दो बात मैं बताना चाहता हूँ, एक तो जब आपको ये लगे ना कि फालतू बात करने लगे, वैसे मैं करूँगा नहीं फालतू बात, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि फालतू हो रही है थोड़ा सा दे देना, काली तुरी बजा देना, मैं बैठ जाऊँगा। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा कि कोई भी बात आप जो मैं बताऊंगा आप ना सुनो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं और किसी की बात करूंगा ही नहीं सिवाय आपकी और हम किसी की बात नहीं करेंगे। धन्यवाद भी मैडम का लास्ट में करते हैं, क्या धन्यवाद सब करते हैं, मैं भी कर दूंगा, क्या दिक्कत है ना, करें शुरू। मैं 2-3 बात बताऊंगा, उनमें आप थोड़ा थोड़ा सोचना, फ्री होकर सोचना, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। मैं एक भी बात ऐसी बताऊँ जिसमें टेंशन लेना हो या मैं आपसे कुछ पूछूँ, आपकी मर्जी, आप कुछ पूछना पूछो, मैं नहीं पूछूंगा आपसे कुछ भी। ठीक, मैंने बड़े दुश्मन लगाए थे, टीचर खड़ा हो बेटा यार पढ़ाने आप आ रहे हो, आप कदम मारे के रखा, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। छोटा सा था, भाई पुराना टाइम था, माँ चूल्हे में रोटी बनाती थी, माँ रोटी बनाने लग रही, बापू ये क्या करते, वैसे अब तो पापा कहते, वो खाना खाने लग रहे, भाई भाई रोटी पकड़ाने लग रहा है। इतनी देर में बाबा जी आके उसने अलग जगह माई कुछ दिया, जो पिताजी थे भाई वो खाने लग रहे थे, अच्छा बड़ा खाना तो रोटी जल्दी छोड़, हट्टा कट्टा आराम खोल आ गया, सुबह सुबह मांगने कमा के क्यों नहीं खाता, यहाँ को फ्री का पट रहा है, ये वो और पट लगा हो रहे हो, बेचारा चला गया, खड़ लगे खा के चले गए, तो माँ ने कहा इधर आ रहे ले ये कटोरी एक चून की, अगली गली में गया होगा जल्दी आ पापा। मेरे बालक मन पे क्या असर पड़ा कि कहाँ तो पापा है और कहाँ माँ है। जिस दिन भी सब्जी खत्म हो जाती थी, मेरे को याद नहीं कभी मम्मी ने ये कहा हो कि मैं बिना सब्जी कैसे खाऊं, हम सारे नखरे दिखा करते, लेकिन माँ ने कभी भी शिकायत नहीं। मेडिकल कॉलेज के साथ हमारा घर है सेक्टर 14 में, महीने 2 महीने में कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो जाता है, आपकी सिफारिश हो चाहे ना हो संभालने के लिए जाना पड़ता है। कितनी बार मैंने देखा है लेडी कभी तो पैरों को दबा रही है, कभी कंघी कर रही है, कभी पर्ची रख रही है अपने हस्बैंड के सिर पे। आज तक मैंने एक भी ऐसा मर्द का बच्चा नहीं देखा जिसकी गोद में उसकी वाइफ का सिर हो और वो दबाने लगा। क्या दिखाना चाहता हूँ मैं, पुरुष और महिला, माँ और बाप में फर्क देखो, कितना त्याग है। आप चारों तरफ आँख खोल के देखो, कोई लेडी या पुरुष किसी के साथ भी मिसहैप नहीं हो जाती है, मान लो एक की डेथ हो जाती है, चाहे एक्सीडेंट चाहे कुछ भी, पुरुष क्या करेगा, महिला क्या करेगी, साफ साफ दिखाई देगा। पुरुष क्या करेगा, दो बच्चे पहले पैदा हो रहे हैं, 6 महीने 8 महीने तो आंसू टपकाएगा, फिर एक और बुलाएगा,
एक दो बच्चा उसका हो जाएगा, 10-5 साल में दोनों का जूत बजेगा, फिर वो शराब पीना शुरू कर देगा घर का सत्या। अक्सर ऐसा होता है। महिला क्या करेगी, जैसे बच्चे बड़े होंगे ना बिना बाप के, उनकी माँ भी बनेगी, उनका बाप भी बनेगी, उनको पढ़ाएगी, वो सारी दुनिया को दिखाएगी, देखो बिना बाप के बच्चे भी ऐसे सफल हो सकते हैं। अरे माँ में कितना सारा त्याग है, कितनी सारी सेवा है, कितनी सहन शक्ति है। और बहुत बार मैंने देखा है जो पापा ज्यादा समझदार होते हैं ना, वो जब अकेले होते हैं, जब डांट खाते, देखा मैंने कहा था ना मेरी मानी नहीं कि भांडे धक्के खाता, मैं कहूँ थी उस तरह कर लेता तो ठीक हो जाता। का मतलब पुरुष समाज जो है वो दबा के रखने की कोशिश करता है, नहीं तो मुझे तो भाई इतने सारे गुण महिला में दिखते हैं, इतने सारे गुण महिला में दिखते हैं। और कई बार तो मैं यहाँ तक कहता हूँ, जब बच्चा धरती पे भेजने की बात आई ना, तब भी भगवान ने दो बार सोचा होगा किसे दूँ, इस निकम्मे को या इस सहनशील को। होता है ना ऐसा, इतनी बढ़िया बढ़िया बात बता दी, ना कोई ताली बजाता है ना कुछ। आप लड़कियों के 2-4 गुण बता सकते हो, मैं बताऊंगा तब देखना लड़के और लड़कियों में क्या फर्क होता है, बताओ जरा। गुण बता दो, गुण तो मैं भी बता दूंगा तुम्हें पता है क्या क्या गुण होते हैं। सहनशील ज्यादा होती है। और मेरा एक दोस्त था सेक्टर 14 में रहता था, जी नाम तो बताना ठीक नहीं, उनके यहाँ दो लड़के लड़की हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, जाट कॉलेज में हम इकट्ठे थे, मिसिज भी अच्छी जान पहचान है, हम उनसे मिलने चले गए, तो हमने जाके घंटी बजाई तो उन्हें देखा कि अनिता मैडम है, कहते जी आओ, अरे क्या कर रही है, तो पता उसने क्या कहा, हे के करूँ थी, दो तो ये मलंग और एक इनका बाप, ये ना सुन के लगे गए। मतलब घर में कहीं तोलिया पड़ा, कहीं लिप्टर पड़ा, कहीं किताब पड़ी, मतलब बुरा हाल। और किसी के यहाँ एक बेटी हो या दो बेटी, उनका घर जाके देखो कितनी साफ सुथरी तरीके से, तरीके तभी से। कभी भी अपना टाइम फालतू की चीजों, कभी चुराए बचा लड़की खड़ी देखिए घटू रही होंगी कहीं, या कभी कोई बाढ़ पड़ते हुए झगड़ा देखा तो चलो मेरे साथ सोने पर ट्रेंड करो, तीसरे दिन होता है ना। अभी बन के मैडम नाराज हो गई हो शायद, दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी, भाई इतनी इतनी बेकार हिंदी बोली और हरियाणवी बोली, मैंने उनको कहा बेबे हिंदी तो बोल लो। का मतलब लड़कियों में दुनिया भर के गुण हैं, लेकिन फिर भी हमें सीखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है बेटा, क्योंकि आज का जमाना जो है ना बिना सोचे समझे आगे नहीं चला जाएगा। मैं आपको 4 तरह की लड़कियां बताऊंगा, आप उसमें से ये बताना कि आप कौन सी कैटेगरी है ना। और खास बात क्या है, जो कैटेगरी बताऊंगा आपको लगेगा हाँ ये मेरी है ना। बताऊं कौन कौन सी कैटेगरी होती है लड़कियों की। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो देखती बहुत है, देखती बहुत है, किसी के घर गई थी आंटी को नमस्ते नमस्ते करके आई है, बेडशीट भी देख है, ये भी क्या था, और फिर घर आके मम्मी को पूरी उसकी नरेशन देने लगे, जो चीज नहीं देखी, बस में बैठी है मुंह तो ऐसे है लेकिन देख उधर गिड़ी है, और मतलब हद से ज्यादा देखते हैं। और कोई मेरे से पूछे तो दुनिया की 80% गंदगी, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, वो किसके थ्रू आती है, जब भी कोई गंदा विचार आता है, कोई गंदा काम करने की सोचते हैं, या कोई चीज किसी दूसरे की हम उसे लपक लेने की सोचते हैं, वो हमेशा कहाँ से आती है, हद से ज्यादा देखना ठीक नहीं। और लोग तो इतना सत्यानाश जा रहा है, सड़क पे 2-4 इकट्ठे हो रहे हो ना, स्कूटर का रोके क्या हो गया, कुछ नहीं कर सकते, ना कोई कसूर ना कोई आदत कुछ करना, लेकिन फिर भी देखना है, साइड में हिली करने लग रही, बस खड़ी होगी खिड़की में मुंह निकाल निकाल के लग रही, क्या देख रहे हो, कुछ नहीं, पर है देखने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, ये थोड़ी सी क्या होनी चाहिए। कई ऐसी लड़कियां होती है सुनने में कोई दो बात की बनती अरे आपको बताना नहीं चाहते। और मेरे साथ तो क्या होता है, लड़की लड़की नहीं सबकी आदत होती है, लड़कियां तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके बीच में खड़ा हूँ, फोन पे बात फोन आ गया उधर जाके खड़े पास आके खड़े हो जाएंगे किसका था अरे भैया हम नहीं बताना चाहते किसका था, फिर भी सुनना चाहती, लास्ट लाइन सुन दी, फिर वहां किस लिए गया था, सिर्फ इसलिए कह रहे ताकि पूरी बात बता दे। और जो चीजें नहीं सुनने की है उनको भी सुनने की कोशिश करो, पड़ोसी बैठे बैठे दीवार के साथ बात करने लग रहे हैं, वहां गए तो थे कुछ काम करने, वहीं कान लगा इसलिए महाराज चक्र तो नहीं, हद से ज्यादा हम सुनने की कोशिश करते हैं। बोलना तीसरी कैटेगरी क्या है, फालतू की बात। मुझे बचपन में याद है मेरी दादी जी थी, उनकी हम उम्र एक ताई थी, वो ताई जब
हमारे घर के आगे से जाती, मेरी दादी का नाम बदामू था, तो कुछ यहाँ बदामू की कर है, तो फिर बदामू क्या बताती थी, हे बेबे आज तो तरते जब मैं उठी ना सांग ने दूध ने ढकना भूल गई थी, फिर उड़ो गिलास धरे नहीं थे मैंने उसके ऊपर पूरी गिर दी थी, अगर उसको उठाया तो वो फिर जामुन उसमें लाग नहीं रहा था भाई, 15 मिनट तो बात कोई नहीं, लेकिन बताने में ऐसी रेल सी बना दिया करती, मैं भी सुना करता कि बात तो है, बोलने की इतनी ज्यादा आदत पड़ जाती है कि बिना बोले मेरे को कोई नमस्ते कर देता है, कहीं जैसे कल राउंड जो आ रहे थे मैं भी वहाँ खड़ा था, नमस्कार सर, बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हो, मैं हो गया शुरू रिटायर्ड आदमी, मुझे क्या कहूँगी तो बंद ही ना हो रहा, एक बार शुरू हो गया कोई भी प्रोफेसर शुरू हो गया 40 मिनट से बंद नहीं होगा, अगर वो प्रोफेसर रहा है और आराम कोई करिए तो भाई 2 मिनट में बात खत्म हो सकती है, बहुत ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता, बीच में बोलना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता, किसी के घर बैठा था ना वो, उसका बेटा बीए पास करी थी, अंकल क्या करना चाहिए, तो उसकी मम्मी 2 मिनट में आए और बीच में सलाह देके चले जाए, हमने भाई चुप तो हो जाओ, ये मेरे से पूछ रहा है बता रहा है, बीच में क्यों बोल रहे हैं, तेरे घर पे रहता बेटा बाद में दे रहना था ना, रुके ना जाता, कौन सी कैटेगरी होगी बहुत ज्यादा बोलने की देखने की सुनने की, और असली कैटेगरी है भाई जिसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने की, एक कोई बात आ जा कर दिया उसका पूरा कर दिया, पता नहीं किस तरह के और हमारा हो जाता तो ये हो जाता तो वो हो जाता तो, ऐसा कुछ नहीं होना तकरीबन तकरीबन हमें पता भी है, लेकिन फिर भी दिमाग है कि सोचता ही रहता, और कई बार ये सोचना हमारा इतना सत्यानाश कर देता है, ना हम पढ़ने लायक रहते, ना हमें याद होता है, ना हमारा इंटरेस्ट रहता और ना ही हमारा मूड भी ठीक रहता, देखो उसका उदाहरण इतना गजब का उदाहरण है, भाई 6 महीने याद रहेगा इस बारे में, आप मुझसे ये प्रॉमिस करो कि जी आज से हम कोशिश करेंगे ज्यादा सोचा साची पे जोर नहीं लगाएंगे, लड़कियां लड़कों से बहुत ज्यादा सोचती हैं, कई बार तो ऐसा लगता है और कोई काम ही नहीं है, लगे रहो बैठे बैठे आके यहाँ कोई बैठा लग तो नहीं चश्मे से पता नहीं क्या बोल रही है ना, अंदर ही अंदर आता ध्यान से दो उदाहरण, कई साल पुरानी बात है, मेरी भतीजी मेरे मामा के लड़के जो है उनकी बेटी की शादी थी, चाचा लगता हूँ गाँव में चला गया शादी में, सारा सब कुछ ठीक ठाक आदि होती है वो सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है, 5:45 से जब रात आती है जैसे 4:30-5 बजे से, जिस लड़की का जिसकी मैरिज थी ना वो बेहोश हो गई, लो भाई सारे घर में बुरा हाल होता, क्या हो क्या हो, सब ने पूछा थोड़ी देर में उसको छिटे उछे लगाए पानी की हवा हुआ करी बैठ गई, गीता क्या हो गया था कुछ ना है कुछ ना, पेट तो भरा ना सिर भारी ना क्या दिक्कत है कुछ ना, ऐसे कैसे बेहोश हो गई, कोई बात हो तो बता भाई, माँ बाप को शोषक होते हैं, कहीं और चक्कर हो कोई दोस्त हो सहेली हो कोई और बात हो तो पता, या तेरे को कोई उनके ससुराल जो होने वाले उसका कुछ पता लग रहा हो, दुनिया भर की थिंकिंग चलती है, कुछ ना कुछ ना, किसी ने जाके बताया एक आदमी आ रहा ही था जिसको ये बता सकती है कि बात क्या थी, कौन किसका चर्चा हुई प्रकाश ये बात भाई मेरे तक पहुंची, मैं तो पूरी गुफा हो गया, अरे पता नहीं बच्चों ने बड़ी बातचीत करते रहते, गया भाई मैं बता बेटा गीता क्या बात थी कुछ नहीं चर्चा क्या हुआ, कहती ना मैं बता तो दूंगी फिर आप सब ने बताओगे मैंने कहा ना बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आई प्रॉमिस, पक्का हाँ पक्का, ऊपर से छत पे हम दरवाजा बंद कर दिया, बता बेटा क्या नुकने बता दूंगी, हाँ नुकने बता, कहती अंकल हम ना 2-1 बजे होंगे, मैं मम्मी ताई और बुआ एक मेरी सहेली थी, हम ब्यूटी पार्लर पर गए थे, उसने नेल बनवाए मैंने बाल करवाए उन्होंने मेहंदी लगवाई ये करा वो करा और हम 3:30 बजे से उठ गया, मेरी जो सहेली थी उसका तो घर रास्ते में था वो तो वहीं रहे, और जब ऊपर आने लगे ना मम्मी भी नीचे रहे, मेरे बुआ जी थे ऊपर बैठे नीचे, तताई ने आवाज़ लगाई तेरी बुआ ने भेजना, वो बुआ भी चली गई, मैं अकेली बैठी थी चाचा जी, हाँ बैठे बैठे मैंने सोचा बरात ना आई तो तूने ये क्यों सोचा, मैंने कहा चाचा जी बीच में नहीं बोलोगे, मैं पूरी बात बताऊंगी, मैंने कहा अभी भी कुछ रह गया तो हाँ, फिर मैंने सोचा इतना सारा जो खाना बन रहा है इसका क्यों, बड़ी बेवकूफ लड़की है
फिर तो नहीं चाचा जी, फिर मैंने ये भी सोचा कि बुआ कोर चाची कोर ये जो नेक दे रखा 100-100 रुपए का ये कपड़े, ये सूट दोबारा देने पड़ेंगे। और फिर चाचा जी मैंने सोचा अगर बरात नहीं आई तो संदीप का ब्याह किसकी साथ होगा। फिर तारे से कुत्ते करे करे और जब मेरी आंख पूरी लगी तो हवा कर लगी। क्या नतीजा था, एक ही चीज का परिणाम था, सोच लो बेटा इतना खतरनाक हुआ। किसी भी बच्चे को आप इवेल्युएट करके देखो, आपके घर में भी छोटे छोटे बहन भाई हैं, आजकल किसी बच्चे को दूध पिलाना डिफिकल्ट हुआ। स्कूल में जाते हैं छोटी गुड़िया हो, पापा उसके पास बैठे, मम्मी अपने किचन में काम कर रही हो, अखबार पढ़ने लगे तो भाई उसने उसकी आवाज लगाई कि ये जो अखबार वाला ज्ञान है ये बाद में नहीं ले ले, इस बुढ़िया ने दूध पिला दे, भूखी मरेगी सारे दिन। क्या करता भाई, अखबार दिया रहा कि बेटा दूध पी ले जिंदगी ना। आप मानते हो मेरी बात? कहता हाँ मानता हूँ पक्का, मैं प्रोमिस करते हूँ भाई, रुकोगे करोगे? हाँ करूँगा पक्की भाई, वो करते हैं ना ऐसे ऐसे दिया पक्का भाई, जो मैं कहूँगी हाँ लाओ दूध भी, पराठा भी खाना है? हाँ खाना, पराठा भी खा लिया और दूध भी पी लिया भाई। प्रोफेसर साहब थे हो गए तैयार दूर, फिर अखबार भी पढ़ लिया, फिर आगे कॉलेज में, कॉलेज में 3 बजे जब वापिस गए तो पूरी गेट पर बैठी, पापा प्रोमिस याद है? क्या मतलब सुबह पक्का बड़ा? हाँ याद है भाई, बता क्या चाहिए? कहते मेरी साथ चलो। कहाँ चलना है? बाहर पर गया ना ही दुकान पर। क्या करेंगी? तो चलो आपने कहा था ना खाना खा लूँ ना पहले दुकान पर। क्या गए भाई दुकान पर, चल गए कुर्सी पर बैठ गई, कहती है शिका हो अंकल से मेरे को गंजी कर दे। अरे 8-7 साल की लड़की तो छोटे छोटे फूल वूल लगाती है और सोचते हैं कि डिजाइन बनवाती है, गंजी कर दे भावड़ी हो रही है तुम, आपने प्रोमिस किया था ना? हाँ किया था, कर दे भाई। और मशीन चटपटी घुमा दी भाई, गंजी हो गई, पापा अंगूली पकड़े आने लग गए, जो भी रास्ते में मिले वो, तेरा दिमाग खराब है क्या? छोटी बच्ची का क्या दरवाजा? और पापा बोले तो भी तो बोले। घर आया तो घरवाली को जितनी गाड़ियाँ उसको देनी आती थी तो सारी दे दी, इतनी भी तमीज नहीं है, बड़े फिरते हो तुम पैसे की है। लो भाई प्रोफेसर तो सांस नहीं आ रहा, बैठा चुपचाप होकर। 4 बजे घंटी बजी, वे प्रोफेसर साहब। हाँ जी भाई साहब, कफन खड़ा हुआ है, आपकी बेटी का नाम ये? हाँ आपसे बात, आओ आओ अंदर आ जाओ। दोनों बैठ गए अंदर, आपकी वाइफ भी आ गई, वो प्रोफेसर साहब भी बैठे, नमस्ते जी नमस्ते, कैसे जी? आपकी बेटी है नमिता? हाँ हाँ, बहुत भाग्यशाली है। क्या मतलब? कि हमारी बेटी जो है ना आपकी बेटी की क्लास में है, और हमारी बेटी को ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर, और उसकी कीमो चल रही है, उसके बाल सारे हो गए, सारा स्कूल उसे गंजी गंजी कहता है। आज जब आपकी बेटी बाल कटवा के गई ना तो किसी ने भी उसको गंजा, आप बहुत सौभाग्यशाली। मैं कहता हूँ इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी बात समझ गई कि मेरी सहेली को कोई ऐसा कहेगा तो मैं भी इसके बराबर हो जाऊँ। ये होती हैं बेटियाँ, लोग पता नहीं क्या क्या कह देते। मुझे तो लगता है जिस घर में बेटी नहीं होती 50% संस्कार तो वैसे ही नहीं आ सकते उस पर। मुझे चारों तरफ यही दिखाई देता है, नई नई शादी हुई थी तो वो आ गई घर में, भाई चल तेरे को घुमा के लाऊंगा। हस्बैंड निकलने लग रहा था, सास थी नहीं गुजर गई थी, वो ससुर ससुर थे, बेटा रुक लो। हाँ पापा, कि मेरा ना चश्मा टूटा हुआ है, उसको ठीक करवा के लाऊंगा, 200 रुपये देना। बेटे ने पर्स निकाला, 200 रुपये निकालने लग रहा था तो नई दुल्हन ने पर्स छीन लिया। ये तमीज है। लड़के ने सोचा भाई ये तो बहुत बड़ी, क्या ले आया, ये इतनी तमीज नहीं, बताओ उसने क्या किया। उसने उसमें से सारे पैसे निकाले, पर्स वापिस पकड़ा दिया और सारे पैसे पापा को दे दिए। कहता है ये तरीका नहीं होता, पैसे पापा को दिया करो, जितने हमें चाहिए हम उनसे ले लिया करो। इतनी संस्कारी लड़कियां हैं आज के दिन, अगर हमें उनमें संस्कार देखने आते हो तो। पर हम पहले से ही मान लेते हैं कि बहू तो कभी अच्छी, घनी सारी सास तो वैसी है जो कहते हैं देखे हमारी किस्मत, जब हम बहू थे तो सास खराब थी, और अब हम सास हैं तो
ये नहीं सोचते दिमाग तेरा पहले भी खराब था। इतने उदाहरण हमारे चारों तरफ हम आपको नहीं देखते। छोटे छोटे दो बहन भाई थे, भाई बड़ा था, बहन छोटी थी, सारा दिन पुटे वो क्या होते सारा दिन बच्चे खेला। और गुड़िया गुड़िया बेचारी काम कर रही फ्री थी, और उनको ऐसे ऐसे करके टक गए, क्या बोलते थे। अब जब वो कंचे खेले ना भैया ऐसे निशाने मारे, तो उस गुड़िया का जीत रहे भगवान, मेरे पास भी अगर ये कंचे होते कितना मजा आता। जब मैं जेब में डाल के जब ऐसे ऐसे बजाए ना, जब तो बैठने नहीं ना। उधर से घर में कोई गेस्ट आए, टॉफी चॉकलेट जो भी लाए सबसे पहले किसको दे, गुड़िया। गुड़िया भाई सोचे यार ये बड़ी छोटी है तो क्या हुआ, ये क्या मतलब हुआ, सारे इससे लाड़ करें, मैं कुछ भी नहीं। उसकी नजर तो उसके कंचा पे और उसकी नजर उसकी टॉफियां पे। एक दिन दोनों बहन भाई सुबह सुबह एक बात करें, बोल क्या करना, तू मेरी मर्जी से और मैं तेरी मर्जी, सारे कंचे तू मेरे को दे, मैं तेरे को सारी चॉकलेट टॉफी दे देती हूँ। बहन ने तो अपनी सारी चॉकलेट निकाल के फ्रॉक में से सारी की सारी ले पा लगा, भैया भी कंचे निकाल लें, उनमें ना एक अंटा होता है। मैं सोचा ही बाबा यार पता अंटा क्यों है भाई, बाकी तुम दे दो पर अंटा तो मेरे से ना किया। सारी की सारी गोलियां दे दी लेकिन अंटा भाई गुड़िया को तो जैसे ही वो गोलियां मिली सारे दिन कूदती फिरी, मेरे जैसा भैया भगवान सबको दे, ये भैया मेरा ये मेरा बदल बचा। शाम हो गई दोनों अपने अपने बेड पे लेट गए। दीदी तो पड़ी पड़ी ये सोच रही कि मेरे जैसा भैया और किसी के पास नहीं है, इतना अच्छा भगवान भैया सबको दे। पर भैया क्या सोच रहा, दे तो दी चॉकलेट इसने पर सबसे मीठी वाली तो जरूर राख ली हो। क्या मैसेज निकला, जो जैसा होता है दूसरे के बारे में। जब जब आपके मन में किसी के बारे में बुरा विचार आए ना, एक बार ये जरूर चेक कर लेना कहीं ये बात हमारे पे लागू तो नहीं होगी, कहीं हम तो बेकार नहीं, सारे के सारे अवगुण दूसरों में नहीं है और हम देखते हैं अवगुण, गुण तो देखते है ही नहीं, करके देखे एक्सपेरिमेंट है गुण अवगुण का एक्सपेरिमेंट। मैं पूछूंगा नहीं है, आई प्रॉमिस आपसे पूछेंगे कुछ नहीं, आप सिर्फ सुन सुन लेना। पहाड़े कितने जगह थे आपको, टेबल याद करे थे ना, भूल भर गए बात करें है? आते चलो बताओ कितने का सुनाओ। हम उस जमाने के हैं भाई जो पहाड़े याद नहीं आते तो डंडे खाए करते, नरे पहाड़े याद करते हैं, बताओ कितने का सुनाओ। 37 का सुना दूं, यदि वैसे सुना दो अपने यहाँ पे प्रोग्राम है नहीं। पहाड़े सुनने के लिए क्या चाहिए, हमें भी तो आना चाहिए, तुम भी तो सुनोगे, थोड़ा सुन दोगे, हम तो ये दो का सुन सकते हैं। सुनाओ आपने सिर्फ सुनना करना कुछ नहीं है, पूरा सुना दो आधा सुना दो पूरा सुना दो, देखो दूसरे को सुनाना हो तो पूरा सुना दो, अपना कुछ नहीं। चलो फिर भी पूरा इंग्लिश में हिंदी में, कितनी चीज सुनाई, कितनी ठीक थी, कितनी गलत थी। कोई आदमी नौ काम अच्छे करे एक गलती हो जाए तो उसको शाबाशी देनी चाहिए या उसका मजाक उड़ा के हंसना चाहिए। आपने देखा कितनी बढ़िया दी थी। हम क्या देखते हैं हमेशा जबकि होना क्या चाहिए, हमारी सोच पे डिपेंड कर, चारों तरफ अच्छी अच्छी चीजें हैं भाई, मेरे को तो बहुत अच्छी अच्छी दिख रही, आपको पता नहीं दिखती या नहीं, लेकिन हमने आपके टाइम में किया होगा, हमने हॉस्टल शुरू किया भाई, बच्चे आए मेरे पास या पता नहीं मैडम आई कि जी हवन कराना, करो भाई हवन। अब हवन में क्या है, अपने यहाँ देखना, आप चारों तरफ घर जाके देखना, आज से पहले भी हवन देखे होंगे, मेरे पता नहीं बात भी देखना। मेरा एक फ्रेंड है एम ए कर रखी है, उसमें दिल्ली में स्कूल में लेक्चरर है, हवन हवन करता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हमारे घर हॉस्टल में हवन कराना है, आप कर दोगे। हाँ हवन कराना तो बड़ी बात, मैंने कहा बड़ी है, जो भी श्लोक बोलेगा उसकी पूरी हिंदी बताएगा और जब तक हम कहेंगे तब तक करेगा, ये नहीं कि तू पौने घंटे का प्रोग्राम बच दे, हमारा मन करेगा हमारी बच्चियाँ कहेंगे हाँ जी बढ़िया कर रहे तो करेंगे, नहीं तो नहीं। कहते ठीक है आगे जी वो, अब हवन में जैसा कि प्रोसेस होता है, एक को जजमान बनाते हैं, प्रिंसिपल साहब आप तो बन जाओ जजमान, मेरे को घी कटोरी दे दी, एक चम्मच बांध रखी डंडी पे और घी कटोरी मेरे को दे दी, और बाकी बच्चियां वार्डन बैठी, दो तीन मैडम बैठी सीनियर से और बाकी सारे लड़कियां बैठी, सबको कागज पे क्या दे दी,
आप सब डालते हैं। अब शास्त्री जी एक वो श्लोक बोले, वो उसकी सरलार्थ करके दिखाई, बड़ी अच्छी अच्छी बात घनी सारी बताई। मेरे साथ क्या समस्या हो रही, भाई थोड़ा सा घी है और स्वाह पे तो मेरा घी खत्म हो गया, तो ये बच्चे क्या सोचेंगे, मैं थोड़ा सा घी डाल दूं, कई बार तो भर के कम ले जाऊं और कई बार उल्टा ले जाऊं। शास्त्री जी मेरी तरफ देखे, भाई कितना कोर्ट कराना है, तो भाई बच्चे इंटरेस्ट ले नहीं कराते। आखिरी भाई शास्त्री जी थक गए और कहते अब हम अंतिम आहुति डालेंगे। मैंने देखा घी तो आधे से फालतू बच रहा है, अगर मैं घी थोड़ा डालूं तो लड़कियां भी थोड़ी थोड़ी सामग्री फेंके, कभी घी थोड़ा है और हम सामग्री ज्यादा फेंकते हैं और सर की भी इंसल्ट और मारा सारा प्रोग्राम बिगड़ गया। मैंने देखा भाई पूर्ण आहुति मां दिखोरी कैसे डालूंगा, उधर से लड़की भी तैयार हो रही इतनी सामग्री। उसने जैसे ही पूर्ण आहुति का ओम स्वाहा कहा, मैंने पूरी कटोरी उनका भी फर भर गया। मुश्किल है कहाँ का अमन होना था, दुनिया भर का धुआं, खून खाओ खाओ बुरी हालत हो गई। उधर शांति पाठ सुना, शांति पाठ, शांति पाठ का मतलब क्या होता है आम आदमी को बता देगा। हम प्रार्थना करते हैं बल्कि ईश्वर और शास्त्री जी का ओम शांति शांति और शांति। मैंने कह रहा तू शांति की रेल बना रहा, जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा इससे ले सकते हो। जब हम पढ़ते हैं ना सारा समय हम खराब कर देते हैं, और जिस दिन फाइनल हो जाती है या जब सब कुछ करके हम सड़क पे आते हैं ना आज नौकरी करूंगा, तब पता चलता है जो पढ़नी चीज वो देगी ना लड़की। कॉलेज में बहुत बार ऐसा होता है, मैं लड़कियों के लिए नहीं कहता, 80% लड़के ऐसे होते हैं अगर उनसे कोई ये पूछे ना कि बेटा तू जिस दिन फर्स्ट ईयर में आके खड़ा होता क्लासरूम में और आज बी ए फाइनल करके जा रहा है तो मैं क्या क्या सीख लिया, उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसलिए हवन और घी और सामग्री प्रॉपर टाइम पे डालोगे तो हवन का कोई मतलब है, अदरवाइज तो भाई लास्ट में ऐसा दे रहा होगा। पता नहीं कौन कौन की भाषण देते रहे, आजकल तनाव बहुत हो रहे हो रहा था भाई, पूरा 8-9 साल फैसला होने में लगे और जज साहब ने फैसला कर दिया कि ये जो छोटी गुड़िया ना 7 साल की इसके नाम तू 15 लाख की FD करा के देगा ताकि ये जिस दिन शादी करने के लायक हो जाए उस दिन ये अपनी बेटी को अच्छी तरह से विदा कर सके। हो गया फैसला बता दिया, 17 तारीख की अगली लगेगी उस पर FD लेकर आना कोर्ट में आपने देनी। हस्बैंड खड़ा वाइफ खड़ी जज साहब बैठे वकील ने FD दी और उसने वो FD उसको फैसला हो गया भाई मुंह लटका के दोनों चले गए क्योंकि आप कैसे जापता बन छोटी उंगलियाँ थी उसकी उंगलियों को बाहर निकल के खोखा था उस पर बैठा बैठा आदमी चाय पीने लग जाए आदमी कह लो लड़का कह पीते पीते उसने देखा पीछे उसकी जो जिससे तलाक लिया था वो वाइफ आने लग रही है बच्ची उसकी उंगली पकड़ रही है। वाइफ ने खोल के देखा कि FD तो 15 लाख की खरीदी तो 20 लाख की है, उसके पास से जब गुजरने लगी तो कहने लगी तू मेरे को भिखारी समझ दे रहा है, कोर्ट ने 15 की कही थी 20 की देगी क्या दिखाना चाहता है, घना पैसे वाला है। हस्बैंड कहता क्यों मेरा कोई हक नहीं है, क्या कोर्ट नहीं बताएगी कि मेरी बेटी है, मैं तो 15 की बजाय मैं तो 20 दूंगा। वाइफ कहती तू अगर ऐसा ही बेटी का बाप है तो इसको रख क्यों नहीं लेता, कहता मैंने तुम मना किया मैंने तेरे को भी मना नहीं किया था। और वाइफ ने अपनी पाड़ के दोनों एक दूसरे का मिल गए और अच्छा बड़ा मतलब घर बस आया। हम इमोशंस में डूब कर इतना बुरा हाल कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में घर बिगड़ने लग रहे हैं, छोटी छोटी बातों में और आग में घी कौन डालने लग रहे हैं, दोनों में ससुराल वाले भाई के बारे क्या बोल रहे हैं, यूं कह देते रहता है जब काट दिया हमने यार ये किस तरह कह देगा ऐसी क्यों आ रही है वो बांगा हुआ उम्र बेटा। मुझसे अगर कोई पूछे तो जीवन में हर जगह हमें समझौते करने पड़ते हैं, मैं ये नहीं कहता आप बिल्कुल बेची जाओ अपने अधिकारों के लिए हमें बिल्कुल उठना चाहिए, लेकिन अगर आप एक गाड़ी के दो पहिए बनना चाहते हो तो ये नहीं हो सकता कि एक पहिया दूसरा उछलता चले और दूसरा घिसकता चले, दोनों पहिए बराबर होने ही चाहिए। आज के समाज में इस बात को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब तक हम उल्टा सा उदाहरण याद आ गया मेरे को पर काम का बहुत है। एक भाई था बहन थी पापा गुजर गए माँ ने बेचारी ने मुश्किल से घर घर चला के और छोरी की शादी कर दी। अब जिस घर में वो गई उनको पता था कि इसके बाप नहीं है 4 पैसे जेब में नहीं है भाई इसका बेरोजगार है, उसका वो टॉर्चर करने लगे ताने देने लगे दुखी कराने लगे ये कर ले वो कर ले बसने ही लगे। बहन ने कुछ दिन तो अपने आप को
छिपा के रखा, आखिरी में भाई को बता दिया कि भाई मेरा जीना तू भर कर रखे। देने लायक भाई के पास कुछ था ही नहीं, ये तो बहन को भी पता था। भाई को टेंशन रहने लग गया। उसके दोस्त ने देखा यार तू अच्छा बड़ा खुश रहा करता, तेरा मुंह क्यों टक रहा है? कहता यार ऐसी बात है, बता तो। नहीं नहीं बात ही ऐसी है, दोस्त उसके कौन से अरबपति थे, वो भी ऐसे ही फालतू के थे, गरीब घरों के, तो उसमें सब तरह के थे। एक कहता यार तू ऐसे मुंह लटका के रहता ना, मेरा जी खराब हो जाए, तू बात बता मेरे। उसने बताया यार मेरी बहन है और ऐसे ऐसे वो तंग करते हैं, मेरे पास देने लेने को कुछ है नहीं, और ये बात उनको बता दी है ना, मेरे पास कोई पावर है ना कोई पैसा। कहता इसका तो मैं इलाज कर दूंगा, बदमाश था वो। कहता मेरे को ले चले उसकी बहन के घर, तू क्या करेगा, तू अपन भूखा भूखा है, तेरे पास तो कुछ है ना, तू मेरे को लेके तो चले भाई। चलो भाई बहन के पास चले गए, जाके जीजा जी को नमस्ते करी, ये कौन है, ये दोस्त है अपना, मेरा जिगरी दोस्त है, बैठो। शाम में खाना खाने लगे, जीजा भी आ गया और दोनों गए। साड़े ने बताया कि ये मेरा दोस्त है जिगरी और ये मेरे जीजा जी, नमस्ते जीजा जी, इसके जीजा, इसे मेरे जीजा, इसका दोस्त है। और मैं तो इसलिए आया था, आप राजा कोई ऊंचा नीचा बोलता हूँ या कोई किसी तक मैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे होने तो मैंने बता दिए, इतना लंबा चाकू काट गया टेबल पर, एक मिनट नहीं लाऊ गर्दन ने चुप्पा कर दिया। दोनों आगे डिब्बे ताई का देख कुछ नहीं है ना, बड़ी आया किसी किताब में नहीं लिखा, कई आदमियों को वही बात समझ में आती है। मंडी लगती है ना अपने रोहतक में, मेरे पास बड़ी बड़ी बात नहीं है, बसारी छोटी छोटी है, मंडी लगती है रोहतक में। और भाई आजकल हस्बैंडों की ये हालत है कि बैग उसके पास होता है और वाइफ बताती है ये ले ये ले, है ना। एक ऐसा ही हस्बैंड था, मैडम साथ जाती थी ये ले ले, ले। उसने क्या कर रखा पुठे ने, एक फूट या संतरे वंतरे बेचा करती रो, हर बार उसके पास जाए भाई क्या भाव दिए, बताया भाई 80 रुपये 70 रुपये, सारे तो खट्टे ले लिए तू ना भाई, खट्टे नहीं है ये नहीं ले, पर खट्टे नहीं कर देख फाट के चुका के देख तू, अगर खट्टा हो तो ना ली हाजिए, हाँ कह दो ठीक चल दे दे 2 किलो। अगले इतवार में फिर पहुंच गया भाई, फिर खट्टे खा जाएगी, फिर वही बात ना, खट्टे तो नहीं है खाने, 5 हो गए 7 हो गए। उसके जो साथ वाली बुढ़िया थी ना जो दूसरी रेड़ी लगा रखती, वह कहने लगी है बाउड़ी तेने बेरा आई हो छोरा की गड़बड़ करे, जब तू तोलता है ना हमेशा तू ज्यादा तोलती है, 2 किलो की बजाय 2.25 किलो तू देती है, और तेने जो बेवकूफ बना के खट्टे कह के तेरे गुस्सा में दवा दे तुम, फिर पता वा बोली बुढ़िया, कहती बेबे तेरे समझ में ना आया बा, ये लड़का मेरे से बहुत प्यार करता है, इसको पता है मैं गरीब हूँ और मैं संतरा नहीं खा सकती, इसलिए ये हमेशा खट्टा कह के एक संतरा छिलवा जाता है ताकि मैं संतरा खा लूँ, और इससे लाड़ के बदले मैं हमेशा इस ना अपनी मर्जी से यो कदे बात ही नहीं कहता, और मैं कदे तोलन में तंजू से देता। इतने अच्छे अच्छे लोग कल परसों ना मेरे फेसबुक पर बेटा 1,38,000 फॉलोवर है, तो उसमें मैं कई बार वीडियो डाल देता हूँ, वो भी